मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला भवरकुआं थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर कैफे में एक चोर ने पनीर चिल्ली का ऑर्डर दिया और मौका पाकर काउंटर पर रखा मोबाइल लेकर फरार हो गया। यह पूरी घटना कैफे में लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गई। वहीं पूरा मामला इंदौर के भवरकुआं थाना क्षेत्र के सामने सपना संगीता थिएटर के पीछे टी कैफे का है, जहाँ एक युवक कैफे में आया और चिल्ली पनीर का ऑर्डर दिया। उसके बाद मौका पाकर चोर ने पहले काउंटर पर रखे मोबाइल पर टिश्यू पेपर रखा, फिर वहां राउंड लगाने लगा और वापस आया, टिश्यू पेपर के नीचे से मोबाइल उठाया और लेकर फरार हो गया। यह पूरी घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैफे मालिक मुकुल शर्मा ने इसकी शिकायत भवरकुआं थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकुल की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर मोबाइल चोर की तलाश शुरू कर दी है। सपना संगीता के पीछे टी टाइम कैफे है, इसके संचालक जो है श्री मुकुल शर्मा आज थाने पर उपस्थित आए और बताया कि कल 10 बजे के करीब एक ग्राहक इनके पास आया और उसने चिली पनीर का ऑर्डर दिया। ये बनाने के लिए गया, इन्होंने अपना मोबाइल काउंटर पर रख रखा था। जैसे ये चिली पनीर बना करके लेकर आए तो वो ग्राहक इनका मोबाइल लेकर के जा चुका था। इनने सीसीटीवी फुटेज देखे और पता लगा कोई अज्ञात बदमाश इनका मोबाइल चुरा करके लेके गया है। इनकी शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।